हमारी मस्जिद भी आज कुर्ता की ऐतिहासिक धरती जगदेव बाबा की शहादत दिवस की धरती पे है और यहाँ पे निशिकांत सिन्हा जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इनसे जानना चाहेंगे ये जो बात जो है बदलाव की कर रहे हैं, बात बिहार की कर रहे हैं, इनका मेन मुद्दा क्या है उनसे जानना। सर ये जो कार्यक्रम है इसका मेन मुद्दा, मेन मुद्दा यही है कि जो हमारे जगदेव बाबू की जो विचारधारा था उस विचारधारा से और वो विचारधारा एक तरह से लोगों के लिए काफ़ी अच्छा भी है कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो। तो आज मैं फिर से जो हमारे जगदेव बाबू का विचारधारा था उसी को मैं जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा समाज हर क्षेत्र में पीछे हो गया है। आज अगर कुछ बाहर की बात करें, कोयली की बात करें, तो जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है या जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से हमें किसी भी क्षेत्र में उतनी हिस्सेदारी नहीं है। और हमारा समाज या सिर्फ कुछ बाहर की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो हर समाज की बात कर रहा हूँ, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, जिनको उतना हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, वैसे समाज को कैसे उनकी हिस्सेदारी मिले उसी का एक मुहिम चलाया गया है। और ये सिर्फ एक जन आशीर्वाद संवाद नहीं है, ये जगदेव बाबू का अधूरा जो सपना है उसको पूरा करने का एक आंदोलन चलाया गया है। आप बात बदलाव कर रहे हैं, क्या आप बदलाव चाहते हैं? हर तरह से बदलाव की ज़रूरत है। आप बिहार में रह रहे हैं तो आपको भी पता होगा, आप लोग मीडिया से हैं कि बिहार में जो बदलाव, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो नहीं कर पाती है या अपना जो 100% देना चाहिए वो नहीं दे पाती है। आज 2005 में जब सरकार बनी थी तो बिहार में इसलिए सरकार बनी थी क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि वो जंगल राज है, तो भाई जंगल राज से अगर आपको छुटकारा लेना है तो आपको बदलाव की ज़रूरत है, नया सरकार की ज़रूरत है। तो जो 90 के दशक में जो जंगल राज था आज फिर वही जंगल राज आज बिहार में भी आ गया है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं इस बात से मैं काफ़ी मैं खुश हूँ कि आज हमारे समाज के बेटा, हमारे समाज के लोग या हमारे गरीब लोग, आज हत्याएं किसकी हो रही है, जो कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग, जो भी आगे थोड़ा सा तरक्की करता है या विकास करता है या समाज के लिए लड़ना चाहता है या अपने सोसाइटी के लिए आगे बढ़ना चाहता है उसको उसकी हत्याएँ कर दी जाती है। और उसके बाद यहाँ के सरकारें हैं उसे ऐसे लोगों को सरकार ऐसा क्यों चाहती है, उनकी हत्या हो जाती है, वो कुछ संघर्ष करते हैं, मैं समाज के लिए लड़ना चाहते हैं या वो भ्रष्टाचार और जो भी के चीज़ के लिए वो लड़ना चाहते हैं, तो उनको इस तरह से सरकार अपनी मैंने ये नहीं बोला कि सरकार चाहती है या सरकार करवा रही है, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई इतना कोई कड़ी सजा निकालनी चाहिए कि भाई हत्या के बदले हत्या ऐसा कोई निकाल दे रूल सजा निकाल। बिहार में है घटनाएं अत्याचार यानी सीमा पार कर रही है लेकिन उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए तो बदलाव की ज़रूरत है। आप ही तो उसका जवाब भी दे दिए हैं कि लोग मतलब डेली घटनाएं हो रही हैं लेकिन सवाल सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उसी का बदलाव की जरूरत। बिहार में सर एक बहुत बड़ी चल रही है घटे मीटर है जो स्मार्ट मीटर के लेकर बहुत लोगों के घर में लगा हुआ है, शहर क्षेत्र में ज़्यादा लगा हुआ है लेकिन उस पर स्मार्ट मीटर से लोग ज़्यादा परेशान हैं और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। वही बोल रहा हूँ कि आज बिहार वैसे समय पे खड़ा है जहाँ कि बिहार को विकास करने के लिए हर क्षेत्र में ज़रूरत है, चाहे वो बिजली विभाग का विभाग हो, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य का विभाग हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में नौकरी का हो, चाहे यहाँ आरक्षण का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, हर क्षेत्र में यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है और विकास की जरूरत है। निशिकांत सिन्हा क्या चाहते हैं बिहार में, क्या बताओ? नहीं तो मैंने आपको बोला कि हर क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ के लोग सुरक्षित हों, तो सबसे पहले तो मैं उसका बदलाव चाहता हूँ कि हमारे लोग सुरक्षित हों ताकि किसी की हत्याएँ ना हो, किसी की जान ना जाए, क्योंकि जिसकी जान जाती है, जिसकी हत्याएँ होती है उसको उस चीज़ का डर पता चलता है। अब जिसके घर में किसी की हत्याएँ नहीं हो रही उसको आज हमारे गरीब लोगों का, हमारे समाज के लोगों का डेली हत्याएँ हो रही है और इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हत्याएं होने के बाद जो अपराधी है वो दो दो साल तक, चार चार साल तक गायब हो जाता है और सरकार उसको पकड़ने में असफल होती है, तो इसकी वजह से उसकी जो
आगे लीडर बढ़ता जाता है कि भाई चलो आज इसका हत्या के कल उसका कर लेंगे, पर सरकार को हमें कुछ करनी है। तो यहाँ तो हत्या की जो कीमत है वो मतलब कि कुछ उसका वैल्यू ही नहीं रहा किसी के। अभी आप दिन दहाड़े आप हत्या करते, ये थे नीतिकांत सिन्हा जी जिन्होंने आपको बताने का कहा कि बेरा में बदलाव चाहते हैं। इन्होंने इसी ऐतिहासिक धरती कुर्था की जगह पर के धरती पर इन्होंने बहुत बड़ी सभा करने का काम किया और बदलाव करने की बात कर